हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे कोई इक्वेशन ले ली मैंने 3m प्लस 8, ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल क्या है, देखिए इसमें m जो है वो क्या है, वेरिएबल। 3 क्या है, कोफिशियंट, करेक्ट। जब इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल क्या है, m ही है, एक ही वेरिएबल है लीनियर। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, करेक्ट है। अब देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे मैंने यही इक्वेशन ले ली 3m प्लस 8, करेक्ट है। अब देखिए प्लस 8 को इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये प्लस 8 है, अब मैं इसको क्या मान लूँगी, मैं इसको मान लूँगी 3m प्लस 8 इक्वल टू 0 ले सकते हैं, करेक्ट है। सॉल्व करने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, करेक्ट। अब देखिए ये प्लस का 8 है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्लस का 8 है, जब इसे इक्वल के इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 8, करेक्ट है। और अगर माइनस होता तो यहाँ आके क्या हो जाता, प्लस का। जब हम अपनी टर्म को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं कैसे, और साइन चेंज करके, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोजिंग, करेक्ट। अब जैसे इसमें आगे क्या करेंगे, m है माइनस 8, अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी m की वैल्यू निकल गई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करेक्ट है। तो 2.1 में सेम यही क्वेश्चन है, देखिए अब कैसे करते हैं इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो अब देखिए वही हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट, x। अब इधर क्या था, सबसे पहले इनको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 2 है, जब यहाँ माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 7 एज इट इज़ रहेगा, इसको मैंने नहीं छेड़ा, सिर्फ माइनस 2 को ट्रांसपोज किया है, तो माइनस 2 है, ट्रांसपोज करते ही साइन चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, बाय ट्रांसपोजिंग, करेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, y प्लस 3 इक्वल टू 10, ये भी सेम, y इधर क्या है, प्लस 3, इधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करके माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई ट्रांसपोजिंग, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। नाउ द थर्ड इज 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, इंटरचेंज कर रखा है, करेक्ट। हमें इसमें वही करना तो सेम ही है, जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे 6 एज इट इज, यहाँ पे प्लस 2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2, जेड एज इट इज, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2, 4, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, बाय ट्रांसपोजिंग, हो गया क्लियर। इस तरह से ये मेरे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन फोर्थ इज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। अब देखिए इसको भी सेम तरीके से ही सोल्व करना है, बट ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या आ गया हमारे पास, रेशनल नंबर आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, एक्स है यहाँ पे, एक्स एज इट इज़ रहेगा, अब यहाँ पे ये प्लस का 3/7 है, इसको 17/7 एज इट इज़ लिख लूँ, अब यहाँ पे प्लस का 3/7 है, तो इधर जाके माइनस ऑफ 3/7, ब्रैकेट में वही बाय ट्रांसपोजिंग, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, एलसीएम ले लिया मैंने, 7 वन जो 7, तो 17 वन जो 17,
माइनस एज इट इज़ जो साइन है वो लेके चलेंगे हम, 7 1 7 तो 3 1 3 तो x की वैल्यू क्या होगी, 17 - 3 कितना होगा 14/7 7 2 14 तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 2। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, 6x = 12। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मल्टी 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, मुझे वैल्यू तो x की ही निकालनी है। जब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 12/6 6 की वैल्यू 6 2 12 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, t/5 = 10। अब देखिए इसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t डिवाइडेड बाय में क्या है 5 है। अब जब डिवाइड में होता है, मैंने अभी बताया था 5 इधर डिवाइड में हो तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 × 10 × 5 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या है, 2/3 of x = 18। करेक्ट है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है करेक्ट, x है तो अब 2/3 x है यहाँ पे, तो जब इस 2/3 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x = 18 × 3/2 करेक्ट है, 2 9 = 18 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। नाउ क्वेश्चन नंबर एट क्या है, 1.6 = y/1.5 करेक्ट है। तो अब देखिए इसको इधर लेके जाऊं या 1.5 को इधर लेके जाऊं, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, तो दैट मीन्स कि मुझे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो 1.6 एज इट इज़। अब ये 1.5 इधर किस में है, डिवाइड में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों करना है। अब देखिए 16 1.6 है तो इसको क्या मैं 16/10 लिख सकती हूँ, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी नीचे कितनी क्या आ जाती हैं, 0 आ जाती हैं। सेम इसी तरीके से 1.5 को क्या लिख सकती हूँ, 15/10 लिख सकती हूँ, = y। अब 16 × 15 कितना होता है, 240 होता है, 240 और 10 की 10 से की तो क्या आ जाएगा 100, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 240/100 करेक्ट है। अब 0 से 0 कैंसिल, y की वैल्यू, अब देखिए नीचे 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जो है किसके बाद, एक ही डिजिट के से पहले आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2.4, ये हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या है, 7x - 9 = 16। तो 7x फिर वही ट्रांसपोज करके, ये -9 इधर जाके +9 करेक्ट, 7x, 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 7 डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 25/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 14y - 8 = 13 करेक्ट है। अब देखिए सेम वही मेथड, 14y एज इट इज़, सबसे पहले -8 है, ट्रांसपोज करके इधर क्या हो जाएगा +8 करेक्ट, 14y 21 14 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में, 7 3 = 7 2 करेक्ट, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th क्या है? 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9. करेक्ट है. तो अब कैसे करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की वैल्यू निकालनी है. पी को नहीं छेड़ूँ 6p. अब प्लस का 17 है, इधर इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 17. करेक्ट. अब 6p, अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, मैंने आपको ये सॉल्व करना बता रखा है क्या, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका होता है? बड़े डिजिट का. ठीक है, 17 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 8. बट साइन किसका आएगा? 17 के पास साइन किसका है? माइनस का. तो बड़ी डिजिट मेरी क्या है? माइनस. और 17 तो मेरा क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 8. करेक्ट है. तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ 8/6. इधर से 6 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया. 2 4 8 एंड 2 3 6. तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ 4/3. करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. x/3 + 1 किसके इक्वल है? 7/15 के. करेक्ट. अब देखिए भाई, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर दूँ. x/3 7/15 प्लस का 1 है, तो इधर जाके माइनस का 1. x/3 इज इक्वल टू 15 और नीचे इसके 1 ही मानेंगे. तो इन दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया तो 15 ही आएगा. 15 बन जा 15, तो 7 बन जा 7 माइनस में 1. 15 जा 15, तो 1 into 15 15. करेक्ट है. x/3 7 - 15 वही प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी डिजिट का. तो 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8. 8/15, लेकिन साइन आगे क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट मेरी क्या थी? 15. तो अब देखिए, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ. कैसे? अभी मेरे पास नीचे डिवाइड में 3 भी तो है. तो x/3 इक्वल टू माइनस ऑफ 8/15, यहाँ तक मेरा सॉल्व हुआ था. अब जो ये डिवाइड में 3 है, इधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. करेक्ट है. तो 3 5 15, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? माइनस ऑफ 8/5. ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है. आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी. थैंक यू.